इसे कहते हैं यादगार शो, एक फाइनल शो थंडर डोम के अंदर। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे WWE के आज के एक यादगार स्मैकडाउन के शो के बारे में, क्योंकि आज स्मैकडाउन के मेन इवेंट के अंदर होती है एक बहुत ही तगड़ी घमासान रोमन रेंज और एज के बीच में। जिमी और जे उसो आते, लेकिन वहां से आते रे मिस्टीरियो और डोमिनिक, और होता है एक बहुत ही तगड़ा महायुद्ध। क्या हुआ आज पूरे स्मैकडाउन के शो के अंदर, क्योंकि एज भी कन्फ्रंट करते हैं सेथ रॉलिंस को, और अपने सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस हो चुके हैं मनी इन द बैंक के लिए क्वालिफायर। बियांका बेलेयर को भी मिल चुका है उनका न्यू अपोनेंट। तो बहुत सी चीजें यार स्मैकडाउन के शो के अंदर, क्योंकि द ब्लड लाइन का रीयूनियन भी हो चुका है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो देखो आज के स्मैकडाउन के शो की जो स्टार्टिंग है वो होती है जिमी उसो के साथ में, जहां पर भागते हुए जाते हैं और वो जाते हैं रोमन रेंज के लॉकर रूम के अंदर। लेकिन पॉल हेमन उन्हें रोकते हैं, वो कहते हैं देखो मैंने रोमन से बात कर ली, तुम्हें आज एक काम दिया जाएगा, तो तुम बाद में रोमन से मिलने आना, मैं फिलहाल वो तुमसे मिल नहीं सकता है। फिर अचानक से करीबन एक मिनट बाद ही अपने जो रोमन रेंज है वो पॉल हेमन के साथ एरिना के अंदर एंट्री लेते हुए नजर आते हैं, रोमन रिंग के अंदर आते हैं, और वो कहते हैं जो चीजें पिछले हफ्ते हुई मुझे पता है बहुत से लोग उससे निराश है, क्योंकि एक तो शो पर मैं नहीं था और तुम लोगों की तरह शो से मैं भी ज्यादा खुश नहीं हूं, क्योंकि पिछले हफ्ते एज ने मेरे को लेकर बहुत सी बातें कही और उन बातों का कोई भी सेंस नहीं बन रहा था, क्योंकि रेसलमेनिया के अंदर मैंने एज और डैनियल ब्रायन दोनों को स्मैश करके रख दिया। चलो एज के बारे में तो बाद में देखेंगे, उसको निपटाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल फैमिली के बारे में बात होगी और थोड़ा बहुत फैमिली बिजनेस हम लोग हैंडल करेंगे। वहां से जिमी उसो आते हुए नजर आते हैं। जिमी उसो कहते हैं पिछले हफ्ते मैंने रोमन एज से इसलिए पंगा लिया ताकि मैं उसे साबित कर पाऊं अपने आप को नहीं बल्कि हम दोनों को, मैं अपने आप को प्रूव करना चाह रहा था वहां पर, ताकि मैं और तुम कितने ज्यादा डोमिनेट है ये मैं एज को दिखा सकूं। रोमन कहते हैं तुम्हें मेरे बारे में सोचने के लिए किसने कहा, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचो और हमारे बारे में सोचने के लिए तुम रहने दो। जिमी उसे कहते देखो मुझे सोचना पड़ा क्योंकि पिछले हफ्ते तुम शो पर नहीं थे, तुम बैक स्टेज के ऊपर नहीं थे और मैं जानता तुम वेकेशंस के ऊपर गए थे। रोमन कहते क्या कहा तुमने वेकेशंस, देख भाई मैं वेकेशंस के ऊपर नहीं जाता, बाकी लोग जाते होंगे, पिछले हफ्ते मैं और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कर रहा था जो कि तू इतने दिनों से नहीं कर पाया। और वहां से फिर एंट्री होती है जे उसो की। जे उसो भागते हुए आते हैं, रोमन काफी ज्यादा खुश होते हैं और जे उसो रिंग के अंदर आने के बाद कहते कि रोमन चलो बहुत हो गया जो हम लोगों ने लड़ाई वगैरह की, हम लोग अलग अलग रहे, और जिमी उसो तुम्हारे बुरे वक्त में मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, हम लोग बहुत जल्दी स्मैकडाउन की टैग टीम चैंपियन भी बनेंगे, लेकिन अब हमें मिलकर रोमन का साथ देना और अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना। फिर जो रोमन है माइक पास करते हुए नजर आते पॉल हेमन को, और भाई तीनों भाइयों का यहां पर एक भरत मिलाप होता है और तीनों में एक दूसरे के गले मिलते हुए नजर आते और एक रीयूनियन होता है यहां पर द ब्लड लाइन का। लेकिन जो रोमन के फेस के एक्सप्रेशन है वो कहीं ना कहीं कुछ और चीजें बता रहे थे। फिर शो पर मनी इन द बैंक का क्वालिफाइंग मैच होता है जहां पर बैरन कॉर्बन किंग नाकामुरा का फेस करते हैं, और इस मैच की एंडिंग के अंदर हमें एक बार फिर किंग नाकामुरा जीते हुए नजर आते हैं और अपने बिचारे बैरन कॉर्बन की हो जाती है हार। इसके बाद शो के ऊपर वुमेन्स की टैग टीम चैंपियन आती हुई नजर आती है नटालिया टमीना, और वो कहती हैं WWE के ऑफिशियल्स ने हमें ये कहा था कि आज हमारा एक मैच होने वाला है, एक टैग टीम मैच होने वाला है, तो भाई बताओ जल्दी कौन सा हमारा अपोनेंट है। फिर वहां से तो NXT की फीमेल सुपरस्टार टेगन नॉक्स और शॉटज़ी ब्लैकहार्ट आती हुई नजर आती है, और वो आज इस टैग टीम मैच में फेस करती नटालिया टमीना का, और मैच की एंडिंग के अंदर शॉटज़ी और जो नॉक्स है इस टैग टीम एक्शन को जीती हुई नजर आती है और डेब्यू मैच फाइनली उन्होंने अपना जीत लिया है। फिर सोनी डेविल शो पर आते हुए नजर आती है और वो बात करती मनी इन द बैंक के शो के बारे में, क्योंकि भाई अब बेली को इंजरी हो चुकी है इसलिए वो 9 महीने तक करीबन WWE से बाहर रहेंगी। इसका मतलब ये जो आई क्विट मैच होने वाला था मनी इन द बैंक के शो के अंदर अब वो नहीं होगा। अभी फिलहाल जो सोनी डेविल ने डिसीजन लिया है वो ये कि या बियांका बेलेयर मनी इन द बैंक के शो का तो पता नहीं, लेकिन अगले हफ्ते स्मैकडाउन के शो के अंदर जहां पर लाइव फैंस वापस आएंगे वहां पर अपनी टाइटल डिफेंड करेंगी एक फॉर्मर मनी इन द बैंक के विनर के अगेंस्ट, और वहां से हमें कारमेला आती हुई नजर आती है। अब तुरंत लिव मॉर्गन की इंटरप्शन होती है, वो कहती सोनिया चल क्या रहा है, तुम बार बार कारमेला को अपॉर्चुनिटी दी जा रही हो और इसको लेकर मैं काफी ज्यादा निराश हुई कि अपने आप को प्रूव करने के बाद कारमेला को बार बार हराने के बाद तुम मुझे क्वालिफाई नहीं कर रही हो। सोनिया डेविल भड़क जाती है, वो कहती ध्यान से मेरी बात पहले सुन तो लेती, मैं ये कहना चाह रही थी कि कारमेला को मनी इन द बैंक के जो लैडर मैच से बाहर निकाला जा रहा है और उसकी जगह लिव मॉर्गन तुम्हें स्पॉट दिया जाएगा, इससे पहले कि मैं अपना माइंड चेंज करूं 20 सेकंड के अंदर इस रिंग से तुम खिसक लो। फिर तुरंत भाई लिव मॉर्गन वहां से चली जाती, बियांका बेलेयर आती है और वो कहती जब भी बेली वापस आएगी मैं उसकी जो दुश्मनी थी मेरे साथ में उसको मैं खत्म करने वाला हूं, लेकिन अगले हफ्ते कारमेला मैं तुम्हें हराऊंगी स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। शो पर मनी इन द बैंक का एक और क्वालिफाइंग मैच होता है जहां पर सिजारो हमें सेथ रॉलिंस का फेस करते हुए नजर आते हैं, और ये जो मैच है भाई ये बहुत ज्यादा कमाल का था, काफी ज्यादा बैक एंड फोर्थ एक्शन था। रिंग साइड पर अपने केविन ओवेंस बैठे होते हैं जो कि ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुके हैं। मैच के एंडिंग के अंदर क्या होता है, जो सेथ रॉलिंस है सिजारो को रिंग साइड के ऊपर लेके
जाते हैं और जो एंट्रेंस के यहाँ पे भाई रिंग के पास में स्टील टाइप लोहा टाइप से होते हैं उसके ऊपर एक डीडीटी देते हुए नजर आते हैं और सिजारो का सिर खूनों खून से भर जाता है एकदम भाई। सिजारो अपने खून से लथपथ हो जाते हैं, लग ऐसा था काफी तगड़ी उन्हें इंजरी टाइप सी हो गई है। फिर रिंग के अंदर सेथ उन्हें लाते हैं, एक दो बार पावर बॉम्ब टाइप लगाते हैं लेकिन भाई सिजारो यहाँ पर बच जाता है और आखिरी में कर्व स्टॉर्म और सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस सिजारो के सिर से खून निकालने के बाद हमें मनी इन द बैंक के लिए क्वालिफाई होते हुए नजर आते हैं। वो काफी खुश होते हैं, वो जाते हैं सीधा बैक स्टेज के ऊपर, केला उनका इंटरव्यू लेती है। सेथ कहते हैं देखो तुम्हें पता है कि मैं मनी इन द बैंक के साथ क्या कर सकता हूँ, अभी फिलहाल मुझे एज की जगह होना चाहिए था वैसे भी उस यूनिवर्सल टाइटल मैच के अंदर। लेकिन सेथ रॉलिंस इसके बाद मॉक भी करते हैं रोमन रेंस को और वो कहते हैं जरूर वो यूनिवर्सल चैंपियन बनने वाले, नो मैटर उन्हें मैच दिया जाए या फिर नहीं, क्योंकि वो मनी इन द बैंक के ब्रीफ केस को जीतने के बाद हो सकता है हमें उसी दिन कैश इन करते हुए नजर आए। पीछे से अचानक भाई एज एकदम अंडरटेकर की तरह बन के खड़े होते हैं और एज सेथ रॉलिंस से कहते हैं तुम बिल्कुल भी बदले नहीं हो 2014 से, तुम्हें याद होगा तुमने 2014 में क्या किया था। और एज कहते हैं आज जो एज है वो चीज करने वाले हैं जो कि सेथ अपनी जिंदगी के अंदर नहीं कर पाया और वो कॉल आउट करने वाले हैं रोमन रेंस को। एज आते हैं रिंग के अंदर और वो कहते हैं भाई जल्दी रोमन बाहर आ जाओ यार, तुम्हारी धुलाई करनी मुझे मनी इन द बैंक शो से पहले और मुझसे वेट नहीं हो रहा है। वहां से रोमन रेंस का थीम सॉन्ग प्ले होता है बैक स्टेज के ऊपर, वो टाइटल पकड़ा के आते हैं पॉल हेमन को, वो कहते हैं इसे मैं अकेले हैंडल कर लूंगा और जिमी और जी उसो की यहां पर कोई भी जरूरत नहीं है। रोमन रेंस स्लो मोशन के अंदर आते हैं, वो रिंग साइड पर आके जैसे ही खड़े होते हैं वहां से जिमी और जी उसो आते हुए नजर आते हैं। रोमन काफी गुस्से में होते हैं और वो कहते हैं तुम दोनों को यहां पर आने के लिए किसने कहा, मैंने मना किया था ना, तुम लोग यहां पर आओ, तुम लोग यहीं पर खड़े रहो, इस एज को तो मैं अकेले संभालूंगा। रोमन अपनी जैकेट उतारते हैं, अंदर से भाई एकदम बॉडी बिल्डर वाला रोमन निकलता है और रोमन ने यहाँ पर हेड ऑफ द टेबल की एक व्हाइट वाली टी शर्ट पाई हुई थी। और रोमन आते रिंग के अंदर और थोड़ी देर घूरते एज को और दोनों के बीच, फिर ब्रॉल हो जाता है शुरू। ब्रॉल के बीच में जैसे एज रोमन के ऊपर हावी होते हैं, सोचते हैं जिमी और जी उसे कि वो करे इंटरफेयर, लेकिन रे मिस्टीरियो और डोमिनिक मिस्टीरियो का वहां से थीम सॉन्ग प्ले होता है। वो लोग एंट्रेंस ऑडिटोरियम की तरफ देखते हैं लेकिन पीछे से लाते वो दोनों स्टील चेयर बाप बेटे और धुलाई शुरू हो जाती है जिमी और जे उसो की भी। ये लोग रिंग साइड पर लड़ रहे होते हैं और रिंग के बीच में होता है एज और रोमन के बीच है घमासान युद्ध और यहाँ पर एज पूरे तरीके से इसमें टेक ओवर करते हैं। वो अपने डीडीटी लगाते हैं, वो जैसे स्पीयर लगाने चलते हैं वहां से जिमी और जे उसो आ जाते हैं। जब वो मिस्टीरियोस की धुलाई करते हैं रिंग के अंदर आने के बाद, वो लोग टेक ओवर करने का ट्राई करते हैं, एज की धुलाई करने का ट्राई करते हैं लेकिन फिर वहां से मिस्टीरियोस आते हैं, डोमिनिक दोनों को एक एक 619 लगाते हैं और उसके बाद एज पूरे तरीके से रेडी होते हैं लेकिन भाई रोमन यहां से खिसक लेते हैं। और उसके बाद एज क्या करते हैं, वो जाते हैं रिंग साइड के ऊपर, वो लाते स्टील चेयर का वही बार ताकि वो एक अपना सबमिशन मूव डाल पाए जिमी और जे उसो दोनों को। रोमन भाग जाते हैं एंट्रेंस ऑडिटोरियम पे खड़े होकर, ये पूरा तमाशा देखते हैं। पहले जो एज है वो लगाते जे उसो को सबमिशन, फिर वो लगाते जिमी को, फिर लगाते जे को, फिर लगाते जिमी को, फिर लगाते जे को और फिर जिमी को लगाते, और ऐसे करके दोनों की भाई धुलाई होती रहती है। और मिस्टीरियोस यहां पर मजे लेते हैं क्योंकि वो भी टांग और हाथ पकड़ के बैठे होते जिमी और जे उसो के। और कुछ इस तरीके से इंटेंस वे में आज का फाइनल शो थंडर डोम का एंड होता है। आई मीन सीरियसली क्या कमाल का शो था, स्पेशली जो एंडिंग थी, मैं क्या कहूँ एंडिंग के बारे में, मुझे सही में वर्ड्स नहीं है। रिसेंट कुछ टाइम में एक बेस्ट एंडिंग जहाँ पर कुछ लेजेंड्स और कुछ ट्राइबल चीफ वाली चीज़ें इंक्लूड थी। और मेरे हिसाब से आज का जो स्मैकडाउन का शो है ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा कमाल का था, फाइनल शो एक यादगार शो रहेगा, स्पेशली जो एंडिंग है वो डेफिनेटली यादगार रहेगी। और आज के स्मैकडाउन के शो को मैं 5 स्टार में से 5 स्टार रेटिंग देना पसंद करूँगा, अगर ज़्यादा दी जाती है भाई ज़्यादा दे दो। और आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी, अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है आप लोग नीचे वीडियो को लाइक कर सकते हो, नीचे वीडियो को लाइक करने के साथ सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को कर दो ऑन ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल के ऊपर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल के नवी फ्रेश अपडेट जानने को मिलती रहे। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके आपसे काफी जल्दी मिलता हूँ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।